हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर मैं लर्न विद संजीव चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत हूँ। कैसे हो सब? मुझे उम्मीद है कि आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के चारों पार्ट्स देख लिए होंगे, और कोई भी डाउट्स होगा तो आप मुझे जरूर सेंड करना, मैं आपको रिप्लाई उसको जल्दी से जल्दी दूंगा। देखिए आज हम उसके ऊपर बेस्ट क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो क्लास 10th के एग्जाम्स पास में बिल्कुल, ठीक है, 8th के भी है और 11th और 9th में भी ये टॉपिक है, ठीक है। क्लास 8th के एग्जाम आने वाले हैं, 8th के भी एग्जाम में क्वेश्चंस ही आएंगे और 11th और 9th में भी। देखो क्वेश्चन आते हैं किस तरह से, आपको इस तरह से दिए होंगे, पहले क्वेश्चन मिलेगा फिर उसके चार ऑप्शंस होंगे। देखो कंपटीशन की बात करते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपको पता है सभी को कि ऑप्शंस बेस्ट क्वेश्चन ही आते हैं इस तरह से, तो ये बहुत अच्छा किया है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ थोड़ी सी, हमें एग्जाम में कैसे देखना और कैसे करना है। देखो दिव्या फिल द ब्लैंक्स, फिर ब्रैकेट में गो टू टेंपल ट्वाइस ए वीक। दिव्या हफ्ते में दो बार मंदिर जाती है, तो लास्ट में क्या है, ती है, ता है, ये किसको बताते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस को बताते हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम किसका यूज करते हैं, देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, अपने एस या एस का प्रयोग करते हैं। देखो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में गो तो आ नहीं सकता, यहाँ पे गो आ सकता है, गो जा सकता हैज गॉन तो नहीं आएगा, हैज गॉन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, वेंट किस में आता है, पास्ट सिंपल टेंस में आता है। जो काटना है वो काट दो पहले, ये तो आ नहीं सकता और ये आ नहीं सकता, ठीक है। अब देखो बात करते हैं गो और गोज में, गो कब आता है, जब ये क्या होता है बहुवचन होता है, लेकिन अब क्या एक वचन के साथ हम क्या करते हैं, वो के साथ ईएस लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, बोच अपना ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर क्या आया फर्स्ट का, बी नंबर ऑप्शन। तो जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो आपको नोटबुक में राइट करके आना है एग्जाम्स में, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। करने का तरीका देखो, पहले आप उसको राइट करो, पढ़ो, पढ़ने के बाद आप क्या करोगे उसको हिंदी बना के देखो, अगर आप बना सकते हो तो, नहीं बना सकते तो जैसे मैंने आपको वर्ड्स लिखवाए ना कुछ, उन वर्ड्स को ढूंढो ट्वाइस, ठीक है, ए वीक हफ्ते में दो बार जो मतलब उसको वर्क है, ये रूटीन का वर्क है। रूटीन के वर्क के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। हमें पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान वर्क की फर्स्ट फॉर्म या वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस आता है, तो हम पहले उसको ढूंढेंगे, हमें नहीं मिल रहा तो चलो हम काटते हैं, ये नहीं आ सकता क्योंकि हमें याद आ रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, वेंट आता है पास्ट सिंपल टेंस में। गो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये बहुवचन नहीं है, एक वचन के साथ गो के साथ क्या है ईएस, तो अपना आंसर क्या है बोझ। ऐसे आपको आंसर ढूंढना है और लगाना है, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे 10th क्लास का हो, चाहे कोई भी आरबीएससी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आरबीएससी बोर्ड, ठीक है, आरबीएससी बोर्ड के लिए ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इनको देखना। फिर आगे चलिए, ही वेंट टू स्कूल आफ्टर, देखो क्या मिल गया आफ्टर, आफ्टर देखते याद आ जाना चाहिए, आफ्टर के पहले हमें क्या दिया है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसके बाद हमें क्या मिलेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढ लो कहां पे, ये नहीं हो सकता कट हो गया, ये भी नहीं हो सकता, ये हो मिल गया ना, आगे जाने की जरूरत नहीं, तो आंसर क्या हैड ईटन, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि बिफोर और आफ्टर के पहले यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यदि बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पहले क्या आ जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज कर देते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट सी जस्ट रिटर्न, देखो जस्ट रिटर्न किस में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, ये किसका एग्जांपल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो घर पे प्रैक्टिस, तो इस तरह सोच के किया करो, आपको हर चीज क्लियर होती जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होती है। अब देखो हैज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि एक बार ये सही हो सकता है, लेकिन एक वर्ड दिया जस्ट, जस्ट साथ में आना चाहिए, जस्ट क्या आना चाहिए साथ में आना चाहिए, जस्ट किस में साथ में है, इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया, ये अपना क्या हो जाएगा बिल्कुल सही, तो हैज मिल गया हमें, उसके बाद जस्ट भी मिल गया, प्लस में क्या मिल गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों अपने क्या हो जाएंगे गलत, तो आंसर क्या है हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम बैंगलोर, तो क्या आएगा इसमें हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम बैंगलोर। देखो तरीका सीखिए करने का, इस तरह से करेंगे तो अपने आंसर कभी भी गलत नहीं होंगे। फिर देखिए इफ आई फिल द ब्लैंक्स ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, मैंने आपको बताया था कि यदि हम कल्पना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि कल्पना कर रहे हैं कि हम ऐसा होते, क्या कर रहे हैं हम कल्पना कर रहे हैं, जब कल्पना वाले वाक्य आते हैं तो वहां पे इफ दिया होगा कि यदि मैं ऐसा होता तो ये कर देता, तो इफ के साथ हम किसका यूज करते हैं वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्ब, ठीक है। इफ आई वर द बर्ड, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे क्वेश्चन में हम किसका यूज करेंगे वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि हम कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, हम किसका क्या कर रहे हैं वहां पे कल्पना कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखिए इफ यू कम, यदि तुम आओगे, इफ यू कम यदि तुम आओगे, फिल द ब्लैंक्स
मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस सिंपल टेंस में किसका यूज करते हैं, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मीट तो गलत हो गया अपना, ये भी गलत हो गया, फिर ये भी गलत हो, एक ही ऑप्शन है अपने पास, तो क्या आंसर आ जाएगा, सेल मीट, ठीक है। इस तरह से आंसर्स करने हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, सी फिल इन द ब्लैंक्स, टेक मेडिकल ट्रीटमेंट ने हॉस्पिटल सिंस लास्ट संडे। ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। जो भी इसका आंसर होगा आपको कमेंट में करोगे, आपको मैंने इसके वीडियोस रोज पीछे करवाए, उनको पढ़ना और प्रैक्टिस करना, जो भी इसका आंसर होगा आप कमेंट में दीजिए। नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।